हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के नवनिर्मित भवन आराधना भवन का लोकार्पण राजयोगिनी बी के गीता दादी व सौ राजयोगी ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय के पावन सानिध्य में रविवार को हुआ। इस अवसर पर महंत कैलाश गिरी, रेवतर विधायक जगसी राम कोहली, महावीर सिंह देवड़ा व सरपंच परवर सिंह देवड़ा भी उपस्थित रहे। भवन का राजयोगिनी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी बी के गीता दादी ने कहा, यहाँ विकारों से दूर रहकर सेवाएं दी जाती है। संस्थान से जुड़कर 7 दिवसीय कोर्स कर सभी को मन व वचन से जुड़कर रोशनी से जीवन को धन्य बनावे। ब्रह्मा कुमारी गीता बेन भिनमाल ने कहा, क्षेत्र को तपस्वियों ने सींचा गया। ग्लोबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर बी के डॉक्टर प्रताप मीणा ने परिवार में रहते हुए दुगुणों से दूर रहकर ईश्वरीय ज्ञान पाना है। इसका लक्ष्य दुनिया में रहते हुए शुद्ध व सात्विक तो रहते हुए आध्यात्मिक तो जीवन बनाना है। ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई ने कहा, मंडार यानी भंडार है, यहाँ शांति का उत्सव है। बहनों ने आत्मविश्वास से क्षेत्र को ईश्वरीय ज्ञान से आध्यात्मिक बना रही है। दया प्रेम का प्रतीक मूर्ति है, क्रोध से ही हिंसा होती है। यूक्रेन रसिया का उदाहरण दिया, जहाँ राजयोग जरूरी है, स्वयं राजा बने, प्रेम व सद्भावना की शक्ति अर्जित करें, भारत को नशा मुक्त, स्वच्छता से समर्थ तथा समृद्ध के साथ देवभूमि बनाने में सहयोग करें। सरपंच परवर सिंह देवड़ा ने कहा, आराधना भवन में आकर ईश्वरीय ज्ञान व शांति पा सकता है। भारत की देवभूमि में ऋषियों की भूमि है। केंद्र तक सीमेंट सड़क बनाने का भरोसा दिलाया। विधायक जगसी राम कोहली ने कहा, ब्रह्मा कुमारी ने देश दुनिया को सात्विक व आध्यात्मिक ज्ञान व शांति का संदेश देकर जिले तथा विधानसभा क्षेत्र का मान बढ़ाया है। शांति की पूरा संस्था देश को गौरवान्वित कर पुनः विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। बी के अरुणा सिरोही, बी के रंजू जालोर, बी के मीडिया प्रभारी बी के कोमल, बी के जया बहन सांचोर, गुंजन बहन, बी के जगदीश, बी के सुधीर ने संबोधित किया। इस मौके पर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ तथा केक काट कर सेरेमनी की। उप सरपंच देवी सिंह देवड़ा, इब्राहिम खान भाटी, मफतलाल गुनकर, सुरेश प्रजापत, अश्विन राव, रणछोड़ प्रजापत, श्याम सुंदर, राधे श्याम समेत कई लोग उपस्थित थे। जागरूक टीवी के लिए मंडार से अशरफ भाटी की रिपोर्ट।